प्रशासन ने बाढ़ पूर्व तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ से बचाव के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और राहत शिविर के लिए स्थान का चयन भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व तैयारियां, चाहे वो कंट्रोल रूम की स्थापना हो, जो बाढ़ राहत शिविर हमारे कहां बनेंगे, उनका चयन हो, वहां पर कौन प्रभारी रहेंगे, किन स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा, हमारे सामुदायिक रसोई कहां पर रहेगी, पशु चारा की व्यवस्था कैसे होगी, जो चिकित्सा की व्यवस्था है, मेडिकल कंट्रोल रूम है, और अगर बाढ़ के समय में उस पीरियड में अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो किस प्रकार से उसका देखभाल टीकाकरण किया जाएगा, जो उसमें गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल कैसे होगी, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव है, जब पानी रिसीड करता है तो विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की